जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जय दोस्तों, आज आप सभी दिन भर यहाँ पे परेशान हुए थे, लेकिन फाइनली आज अभी अभी आप सबका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी आप सभी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी ले लीजिएगा, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा, तब सभी सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही मैं आप सबको एक इंफॉर्मेशन और भी देना चाहता हूं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहाँ पे जन्मतिथि लिखना है, यहाँ पर आप सबको फिर देखिए ये तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि आप सबको यहाँ पे कैप्चा लिखना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। इस तरीके से भी आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये वाला डिटेल फिल करके आप सबको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर मैं आप सबको बेस्ट अपडेट देता हूं और सारी सरकारी नौकरी जुड़ी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे करता क्या हूं, मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं लॉग इन पर क्लिक करके। आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अभी जैसे आप सभी यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखो बता रहा है इनवैलिड कैप्चा, हमको यहाँ पे कैप्चा भी फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारी चीजें फिलअप कर ली है, हम यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अभी जैसे आप सभी यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा द सर्विसेज अनअवेलेबल, लेकिन आपको इस साइट को भी यहाँ पे रिफ्रेश लगातार करते रहना है और डायरेक्ट आप सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फुल एडमिट कार्ड रहने वाला है, यही एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है अपने परीक्षा केंद्र पर, और आप सभी अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा तभी आप सबको यहाँ पे परीक्षा देने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप सबको यहाँ पर गेट से ही वापस भेज दिया जाएगा। देखिए आप सबके सामने यहां पर, और अगर आप सभी डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको एक प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो रही होगी, ये वाला देखिए यहां पे, लेकिन मैं यहां पे लगातार मेहनत करता रहा और यहां पे देखिए डाउनलोड आखिर हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा क्या, देखिएगा यहां पर आप सबको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सभी यहां पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं तो अब डायरेक्ट यहां पर एडमिट कार्ड शो होगा, और जो कि मैं आपको अभी अभी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए फाइनली यहां पे आप सभी का एडमिट कार्ड जो आ चुका है, ये देखिए हमने एक बच्चे का यहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, और यहां पे देखिए इस बच्चे का सेंटर भी यहां पे दिखाई दे रहा है, फोटो भी है, सिग्नेचर भी है, और इसका एग्जाम सेंटर जो है वो यहां पे उसी के डिस्ट्रिक्ट में ही लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पे एग्जाम सेंटर नेम और ये हो गया एग्जाम सेंटर एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से आप भी अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करिएगा, और जितना भी पेज आपको दिखाई पड़ रहा है सारे पेज आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पर प्रिंट होकर एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, जिसपे आप सभी यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आप सबको यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड सिंपली तरीके से प्रिंट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को हर एक चीजें, हर एक जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, साइट स्लो है कोई बात नहीं है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको यहां पर लगातार पेज को रिफ्रेश करते रहना है। और यहां पर देखिए काफी सारी चीजें बताई गई हैं, ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित पे होने वाली है, यहाँ पे आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आएगा, 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 0.5 का यहाँ पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, पेपर आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने वाला है, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे बता दी गई है, प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने का समय भी बताया गया है, अगर गेट बंद होने के पहले आप सभी पहुंचते हो तो आप गेट के अंदर चले जाओगे, अगर गेट एक बार बंद हो गया परीक्षा हॉल का आप सभी उसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ बताया गया है अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएं, फोटो पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड लाएं, पासपोर्ट लाएं, ड्राइविंग लाइसेंस लाएं या फिर आधार कार्ड लेकर आएं, कोई भी एक आपको अपना खुद का आईडी प्रूफ लेकर जाना है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक भी होने वाला है, ध्यान दीजिएगा बायोमेट्रिक आपका होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, पहचान पत्र से मेल ना होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको वही पहचान पत्र लेकर जाना है जिसमें लगे कि हाँ तुम ही हो, ठीक है। उसकी परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए ही मान्य है, मतलब आपके पेपर के लिए ही प्रवेश पत्र मान्य है, बाकी अन्यथा किसी के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की पाली तिथि केंद्र के में परिवर्तन अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी अनुमति नहीं है। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर डेट बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको वही फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पे जाना है पेपर देने, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें मेंशन कर दी गई है और हर एक चीज बता दिया गया। रिपोर्टिंग टाइम बच्चे का है यहाँ पे 8 बजे सुबह रिपोर्ट करना है और गेट बंद हो जाएगा 9:30 पर, ठीक है। गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद बच्चा अंदर नहीं जा सकता। इसका पेपर जो है वो है 18 फरवरी 2024 को। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है और यहाँ पे आप सभी एक बात ध्यान सुनिएगा, ये है एग्जाम सेंटर नेम और ये है एग्जाम सेंटर एड्रेस, इसको भी आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो आज की हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में शानदार अपडेट से, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।